by iTin. इन दिनों रील पर एक बच्चा खूब चल रहा है, उसको बेहद ट्रोल किया जा रहा है, खूब मीम्स बन रहे हैं, मजाक उड़ाते हुए रील बनाई जा रही है। इंस्टाग्राम प्रोफाइल के अनुसार इस बच्चे का नाम जॉबी पीयू वायनाड है। इनकी प्रोफाइल पर मोटिवेशनल स्पीकर लिखा हुआ है और ये मलयालम, इंग्लिश और हिंदी में कॉन्टेंट बनाते हैं, जहाँ ये लोगों को मोटिवेट कर रहे होते हैं, कुछ पॉजिटिव बोल रहे होते हैं। आप रील देखिए। आप कब से थे, इसे कोई याद नहीं रखता, लेकिन आप कब गलत थे, इसे सब याद रखते हैं। इस तरह के वीडियो से इनकी प्रोफाइल भरी हुई है। ये हर भाषा में लोगों को अच्छी बातें ही बता रहे होते हैं। इनकी वीडियो वायरल हुई, जो एक क्रिएटर के लिए तो अच्छा है, मगर एक बच्चे के लिए खराब हो सकता है। इन पर लोग बनाने लग गए अब मीम। कई मीम्स में सीमाएं भी लाग ही गई और ये सब मजाक के नाम पर हो रहा है। एक वीडियो में ये अच्छे संस्कारों की बात कर रहे थे। इस वीडियो के आगे टेक्स्ट लिखा गया, मैं ऐसा करता हूँ जब मेरे पेरेंट्स मुझे क्रिटिसाइज करना शुरू करते हैं। आप कब सही थे वाले ऑडियो का इस्तेमाल कर लिखा गया कि साइकिल वाले अन्ना ऐसा ही कहते हैं जब मैं उनकी नारियल की चटनी के बारे में बोल दूं। बच्चे की मिमिक्री भी की गई। बच्चे को थ्री इडियट्स वाले चतुर का बचपन भी कहा गया। ये कुछ उदाहरण थे कि कैसे लोगों ने अलग अलग वीडियो बनाए और माहौल उड़ाया इनका। मगर बच्चे की रील के कमेंट बॉक्स में स्वघोषित डैंक मीमर्स भी पहुंच गए और उसको बुली करने लगे। एक यूजर ने लिखा कि ब्रो स्पीकिंग हिंदी विद सांभर, दुनिया का सबसे मजाकिया इंसान बनने की कोशिश की गई और इसी कोशिश में सबसे ओवर यूज्ड मीम टेम्पलेट का इस्तेमाल किया गया और लिखा गया कि अरे मुंह से इडली निकाल करके बात कर बाबा। इन सब के अलावा भी कई ऐसे कमेंट थे जो बेहद ही ख़राब थे। दक्षिण भारत के लोगों को जो स्टीरियोटाइप किया जाता है, वैसा ही लोग कमेंट बॉक्स में भी लिखते हुए नजर आए। ज़्यादातर लोग बच्चे की हिंदी बनाई रील पर इस तरह की बातें लिख रहे थे। सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर एक चीज़ इन दिनों खूब चल रही है, भाषा की बहस। बेंगलुरु से ऐसे वीडियो जाते हैं जहां हिंदी बोलने पर लोगों से हिंसा तक की जाती है। हिंदी में लिखे पोस्टर और बिलबोर्ड्स को तोड़ने की वीडियो आमतौर पर सोशल मीडिया पर चलते ही रहते हैं। ऐसे में कोई बच्चा अगर अपनी लोकल भाषा के साथ साथ अन्य भाषाओं में भी कुछ बना रहा है तो हमको उसको प्रोत्साहित करना चाहिए, ना कि उसका मजाक उड़ाना चाहिए। अब चलते हैं उस शहर जिसके बारे में लोग बातें करते थकते नहीं हैं। उस शहर और अजय देवगन के साथ एक चीज़ चिपक गई है, गुटका। वो शहर जिसके बारे में दिल्ली मुंबई वाला कोई कल्पना करता होगा तो ये पाता होगा कि लाल किला वहीं पाया जाता होगा। बात ऐतिहासिक शहर कानपुर की। बताने वाले ये भी बताते हैं कि हमारा देश गुलाम नहीं हुआ होता अगर अंग्रेज मसाला लेने के लिए केरला के बजाय कानपुर पहुंचते, क्योंकि उन्हें वहां मसाला तो मिलता मगर कोई और। कानपुर के लड़के को गुरुग्राम में एक लैम्बर्गिनी खड़ी दिखी। इस नाम में कंफ्यूज हो जाता हूँ। लड़के ने इसको देखकर क्या बोला, आप सुनिए। खूबसूरत है बहुत तू, लेकिन दिल लगाने के काबिल नहीं है। नहीं, खूबसूरत तो बहुत है लेकिन कहाँ से यार, गड्ढे में फंस जाएगी भैया। इसको हम ले जाएंगे वो बिराना रोड में या कहीं पर गरीब चौकी तरफ, बर्रा ले जाएंगे, फंस जाएगी यार लैम्बर्गिनी, फंस जाएगी ये। इसको निकालने हमको बुलाने पड़ेंगे लौंडे। हाँ सही हूँ मैं। वैसे नाम और कन्फ्यूजन की बात है और नाम बदलने की बात चल ही रही है, तो आपको बता दें कि सरकार ने पोर्ट ब्लेयर का नाम भी बदल दिया है। अंडमान निकोबार की राजधानी को अब श्री विजयपुरम कहा जाएगा। चलते हैं रेडिट की गली, जहां दिखी कुछ इंटरेस्टिंग तस्वीरें। एक यूजर ने दिखाई दिल की दवाई, जो कि दिखती भी दिल जैसी है। कुत्ते के पूत यहां मत सूसु कर से मिलता जुलता एक शब्द आपने अक्सर सुना होगा। कारण ये कि कुत्ते सड़क किनारे किसी भी पब्लिक प्रॉपर्टी पर सूसु कर देते हैं, जैसे खंभे या नलके पर। अब जैसा देश वैसा भेद। अमेरिकन कुत्ते करते हैं फायर हाइड्रेंट पर, क्योंकि वहां वही मिलते हैं, और ब्रिटिश कुत्ते खंभों पर। एक जहाज पे दोनों जगहों के कुत्तों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए फायर हाइड्रेंट और लैंप पोस्ट दोनों ही लगा दिए गए। एक बंदे ने पहनी थी नाइकी की टी शर्ट, मायो की बोतल खोली, मेयोनीज उड़ी और कपड़े पर गिरी। सोचिए कैसा निशान बना होगा, नाइकी के लोगो जैसा। बाजार से गुजरिए तो एक बंदा दिखता होगा जो बिना होल्डर का जलता बल्ब लिए आपको अचंभित करने के प्रयास में होता है। आप सोचने लगते हैं कि बल्ब कैसे जल रहा है, क्या साइंस होगी। अब देखिए ये तस्वीर, बल्ब को निकाल लिया गया है, बैटरी है नहीं, फिर भी जल रहा है। सोचते रहिए कैसे जल रहा है। अब ये सोचिए कि फ्रूट फ्लाई और मच्छर मक्खी को पकड़ने के लिए आप बग ट्रैप लगाएं, लेकिन आपकी मदद के लिए आ जाए एक मकड़ी जो उसी में बना ले जाल और कीटों के बचने का चांस ही ना रह जाए। अब जब सोच ही रहे हैं तो ये भी सोचिए कि ये बादल कहीं से निकले होंगे आसमान में छाने के लिए, लेकिन एक जगह जा रुके। आसमान में ऐसा क्या हुआ होगा। कुछ नेताओं को देख के लगता है कि ये राजनीति में कैसे आ गए।
कुछ एक्टर्स को देखकर लगता है कि ये फिल्मों में कैसे आ गए और एक एक्टर को देख के लगता है कि राजनीति में कैसे आ गए या आ गई। कौन है वो आप गेस करते रहिए। तब तक ये भी गेस करिए कि उड़ता हुआ चूहा, जिसे आम भाषा में कबूतर कह देते हैं, ये मॉल के शौचालय तक कैसे पहुंचा होगा। एक पैकेट खोला गया, उसमें से निकली खाने की चीज़ें, ऑड वन आउट क्या है देखिए और पता करिए। निमिषा पाठक नाम की एक यूजर ने डाला एक वीडियो, लगभग 1 मिलियन लोगों ने देखा। कैप्शन था, गर्ल्स सेटलिंग फॉर बेयर मिनिमम, वहीं मेरे दादाजी और पापा रेलवे स्टेशन पर मेरा ऐसे इंतजार कर रहे थे। कैप्शन भी था कि केवल एक मजबूत पुरुष ही एक मजबूत महिला को संभाल सकता है। एक कमजोर पुरुष कहेगा कि वो बहुत ज़्यादा मांग रही है। बहुत छोटा सा वीडियो है, दोनों बच्ची को आते देख खुश होते हैं, हाय करते हैं और सामान लेकर चले जाते हैं, लेकिन देखने वाले देखकर इमोशनल हो गए। किसी को अपने दादाजी की याद आई तो किसी को अपने नाना जी की। चेन्नई फूड एक्सप्लोरर नाम के एक हैंडल पर दिखा वीडियो, वीडियो जो दिखाता है कि जुगाड़ से ऊंचा कुछ भी नहीं, ऊंची जगह पर पहुंचाने वाली लिफ्ट भी नहीं, लिफ्ट की बटने खराब हुई तो देखिए क्या जुगाड़ कर दिया गया। 25 लाख लोगों ने देखा, देखा सो देखा, कोई अच्छी बात नहीं है। ये लोगों की जान खतरे में पड़ जाती है, इससे कोई जुगाड़ उगाड़ की माया नहीं है, लोगों की ज़िंदगी खुलेआम खतरे में ऐसे डाली जा रही है। बाकी वीकेंड है, कोई पिक ऑफ द डे नहीं बताना मुझको, क्योंकि आप लोग सीरियसली तो लेते नहीं हो। जाते जाते मेरा बस यही है संदेश, बिल्लो चला।